स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे द फंदे हैट इसका सेकंड पार्ट आपको मिलेगा, तो ध्यान से देखें। अगर आप लोगों ने पहला वाला वीडियो नहीं देखा है तो उसे देख लें, तभी आपको समझ में आएगा। सेवन्थ सिक्स चैप्टर तक हम उसमें कर चुके थे, सॉरी सिक्स पैराग्राफ तक। सेवन्थ पैराग्राफ से हमारा स्टार्ट है। ए मैन इजेंट स्मार्ट इनफ, श्योर ही इज़ माई फादर नोज एच नोन एज मच एज माई टीचर। ए मैन इजेंट स्मार्ट इनफ, एक आदमी इतना स्मार्ट कैसे हो सकता है। श्योर, निश्चित। ही इज़ माई फादर नोज एज मच एज माई टीचर, शायद मेरे पिता और मेरे अध्यापक के बराबर। ही नोज ऑलमोस्ट एज मच आई बेचा। मैं शर्त लगाती हूँ कि वो बहुत कुछ चीज़ें जानता होगा। मैरगी वॉजन प्रिपेयर टू डिस्प्यूट दैट सी सेड। मैरगी डिस्प्यूट यानी कि बहस करने के लिए तैयार नहीं थी। आई वुडेंट वॉन्ट ए स्ट्रेंज मैन इन माई हाउस टू टीच मी। मैं नहीं चाहती हूँ कि कोई स्ट्रेंज मैन, कोई अजनबी आदमी मेरे घर आए और मुझे पढ़ाए। टॉमी स्क्रेम्ड विथ लाफ्टर। टॉमी खुशी से चिल्लाई। यू डोंट नो मच, तुम ज़्यादा नहीं जानती। मैरगी, द टीचर्स डिडन लिव इन द हाउस। टीचर घर में नहीं रहते हैं, नहीं रहते थे। दे हैव ए स्पेशल बिल्डिंग एंड ऑल किड्स वेंट दियर। उनकी एक स्पेशल बिल्डिंग होती थी जहाँ वे सभी बच्चों के साथ रहते थे। एंड ऑल द किड्स लर्न द सेम थिंग, और सभी बच्चे एक से ही चीज़ें याद करते थे। श्योर इफ दे वेर द सेम एज, शायद वे सभी एक ही उम्र के होते थे। बट माई मदर सेज ए टीचर हैज़ टू बी एडजस्टेड टू फिट द माइंड ऑफ ईच बॉय एंड गर्ल्स इट टीच एंड दैट ईच किड हैज़ टू बी टॉट डिफरेंटली। बट माई मदर सेज, परंतु मेरी माँ कहती हैं, ए टीचर हैज़ टू बी एडजस्टेड टू फिट द माइंड ऑफ ईच बॉय। एक अध्यापक को सभी बच्चों का माइंड फिट करना होता था। एंड गर्ल्स, और हर लड़के और लड़की का। ए टीचर एंड दैट ईच किड हैज़ टू बी टॉट डिफरेंटली, और सभी बच्चों को अलग अलग तरीके से पढ़ाना होता है। जस्ट द सेम दे डिडन्ट डू इट दैट वे देन। इफ़ यू डोंट लाइक इट, यू डोंट हैव टू रीड द बुक। अगर आप ये सब चीज़ें पसंद नहीं करते हैं तो आप पुस्तक ना पढ़ें। आई डिडन्ट लाइक इट, मैंने ऐसा नहीं कहा कि मैं इसे पसंद नहीं करती। मैरगी एंड क्विकली सी वॉन्टेड टू रीड अबाउट दोज फनी स्कूल्स, और वो मैरगी अब उन फनी स्कूल्स के बारे में पढ़ने लगी। दे वेरेंट इवन हाफ फिनिश वेन मैरगीज मदर कॉल्ड मैरगीज स्कूल। वे उन्होंने आधा भी वो पूरा नहीं पढ़ा होगा। मैरगी की जो माँ थी उसने बुलाया मैरगी स्कूल करके। मैरगी लुक्ड अप, नॉट येट ममा। मैरगी ने ऊपर देखा और कहा, अभी नहीं मम्मी। नाउ सेड मिसेज जोन, अब मिसेज जोन्स ने कहा। एंड इट्स प्रॉबेबली टाइम फॉर टॉमी टू, शायद अब टॉमी का भी स्कूल का टाइम हो गया है। मैरगी सेड टू टॉमी, मैरगी टॉमी से बोली, कैन आई रीड द बुक सम मोर विद यू आफ्टर स्कूल। क्या मैं स्कूल के बाद कुछ आपके साथ इस किताब को और पढ़ सकती हूँ, टॉमी से कहा मैरगी ने, क्योंकि टॉमी के घर पे है बुक। मे बी, ही सेड नॉन जेंटली, उसने कहा शायद। ही वॉक्ड अवे विस्लिंग द डस्टी ओल्ड बुक टक्ड बीनीथ हिज आर्म। उसने बुक, जो डस्टी बुक थी, धूल युक्त जो बुक थी, उसको वो अपने साथ ले गया और कहा हाँ। मैरगी वेंट इन टू द, अपने हाथों में दबा करके ऐसे ले गया। मैरगी वेंट इन टू द स्कूल रूम, मैरगी स्कूल रूम की ओर गई। इट वॉज राइट नेक्स्ट टू हर बेडरूम, कहाँ था वो, राइट नेक्स्ट टू हर बेडरूम। अभी क्वेश्चन आएगा कहाँ पे, वेयर वॉज मैरगी स्कूल रूम। इट वॉज राइट नेक्स्ट टू हर बेडरूम। एंड द मैकेनिकल टीचर वॉज ऑन वे एंड वेटिंग फॉर हर, और जो मैकेनिकल टीचर था वो उसका इंतज़ार कर रहा था। इट वॉज ऑलवेज एट द सेम टाइम एवरी डे एक्सेप्ट सैटरडे एंड संडे। योर रोज़ होता था, केवल संडे और सैटरडे को छोड़ के डेली उसका वहाँ पे क्लासेस चलती थी उसकी। बिकॉज हर मदर सेड लिटिल गर्ल्स लर्न बेटर इफ़ दे लर्न एट रेगुलर आवर्स, क्योंकि उसकी माँ कहती थी कि छोटी सी लड़की जो है वो अच्छा सीख सकती है अगर वो रेगुलर आवर्स में सीखे तो। द स्क्रीन वॉज लिट अप, अब स्क्रीन चालू हुई। एंड इट सेड टूडेज अर्थमेटिक लेसन इज ऑन द एडिशन ऑफ प्रॉपर फ्रैक्शन, आज प्रॉपर फ्रैक्शन का एडिशन पे आपका क्लास चलेगा। प्लीज़ इंसर्ट यस्टरडेज होमवर्क इन द प्रॉपर स्लॉट, कृपया कल का जो गृह कार्य है, होमवर्क है, उसे सही स्लॉट पर फिट करो। मैरगी डिड सो विद ए साई, मैरगी ने यह सब किया। सी वॉज थिंकिंग अबाउट द ओल्ड स्कूल्स, वह पुराने स्कूल्स के बारे में सोच रही थी। दे हैड व्हेन दे हर ग्रैंडफादर्स ग्रैंडफादर वॉज ए लिटिल बॉय, कब के बारे में, जब उसके दादाजी के दादाजी एक छोटे से बच्चे थे तब के बारे में। ऑल द किड्स फ्रॉम द होल नेबरहुड केम लाफिंग एंड शाउटिंग इन द स्कूल यार्ड, सभी जो
बच्चे थे पड़ोस के और इधर उधर के, वो स्कूल यार्ड में चिल्लाते होंगे, लाफिंग एंड शाउटिंग इन द स्कूल यार्ड, सिटिंग टुगेदर इन द स्कूल रूम, और स्कूल रूम में एक साथ बैठते होंगे, गोइंग होम टुगेदर, घर भी साथ जाते होंगे, एट द एंड ऑफ द डे, और डे के दिन के अंत में दे लर्न द सेम थिंग्स, वे एक सी चीज़ें सीखते थे, सो दे कुड हेल्प वन अनदर विद द होमवर्क एंड टॉक अबाउट इट, तो वो एक दूसरे की गृहकारी में भी सहायता करते होंगे, एंड द टीचर्स वेर पीपल, और जो टीचर्स होते होंगे वो भी क्या होते होंगे, इंसान होते होंगे, एंड द मैकेनिकल टीचर वॉज फ्लैशिंग ऑन द स्क्रीन वैन वी एट फ्रैक्शन 1/2 एंड। अब मैकेनिकल टीचर जो था उसका, जब वो इसको सोच रही है, तो जो उसका मैकेनिकल टीचर है वो कह रहा है जब हम 1/2 में जोड़ेंगे तो क्या, वो क्वेश्चन देता था और आंसर उसको सॉल्व करने होते थे मैर्गी को। मैर्गी वॉज थिंकिंग अबाउट हाउ द किड्स मस्ट हैव लव्ड इट इन द ओल्ड डेज। मैर्गी इसके बारे में सोच रही थी कि बचपन के दिनों में, पहले के दिनों में जो बच्चे थे वो कैसे इस चीज़ को पसंद करते होंगे, जो स्कूल डेज थे उनके। सी वॉज थिंकिंग अबाउट द फन दे हैड, वो इसके बारे में सोचती है कि वो कितना उनके पास कितना फन, वो कितना फन लेते होंगे, कितना आनंद किसी चीज़ का उठाते होंगे जब उनके स्कूल्स होते थे। ये फ्यूचर में सेट है ये कहानी, जब मैकेनिकल टीचर्स होंगे और जो पढ़ाई है, बुक्स आज की तरह प्रिंटेड नहीं होंगी, जबकि सब कुछ कंप्यूटर्स के जरिए हो रहा होगा, रोबोटिक टीचर्स होंगे, तब की ये स्टोरी है। तो इसके क्वेश्चन आंसर्स पर नज़र डाल लेते हैं। हाउ ओल्ड है मैर्गी एंड टॉमी? मैर्गी वॉज 11 ईयर ओल्ड एंड टॉमी वॉज 13 ईयर ओल्ड। वट डिड मैर्गी राइट इन हर डायरी? मैर्गी रोट इन हर डायरी टूडे टॉमी फाउंड अ रियल बुक, यही लिखा था ना। हैड मैर्गी एवर सीन ए बुक बिफोर? नो मैर्गी नेवर सीन अ बुक बिफोर। वट थिंग्स अबाउट द बुक डिड सी फाइंड स्ट्रेंज? क्या चीज़ उसको अजीब लगी थी? सी हैड टू टर्न पेजेस टू रीड द बुक एंड इट्स पेजेज वेर येल्लो एंड क्रैंकी। वट थिंग्स अबाउट द बुक डिड सी फाइंड स्ट्रेंज? क्या उसने स्ट्रेंज उसको लगा? तो ये सारे क्वेश्चन हैं, आप लोग इनको कवर कर लें, इनके आंसर्स आप लोग लिख सकते हैं चैप्टर के बेस पे, और क्वेश्चन आंसर आप लोग सेलेक्ट कर सकते हैं। थैंक्स।